भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नरोत्तम जोशी, मेरा बेटा मिले आइए। आप सब लोग मेरे बेटे को ऐसे कैसे ढूंढ पाओगे? जाइए जाइए, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाओ। एक उपाय है जिससे वो भीमराव खुद ब खुद हमारे पास आएगा। कैसे? वैसे भाभी, भीम को चाल से निकालना इतना भी मुश्किल नहीं था। अरे, इतने सालों तक तुम कमजोर बनी थी, पर अब तुम ताकतवर बन गई हो। तो देख, सब तेरे पक्ष में है, सब तेरे हिसाब से है। जीजाबाई, यही तेवर बनाए रखना और फिर बची हुई जिंदगी में भीम कभी ना उलझेगा ना ही कभी मुसीबत बनेगा। इस बार तो भीम सिर्फ चाल छोड़कर गया है, लेकिन उसे वापस नहीं आने दूंगी मैं भाभी। क्या भीमभाव और अमा चाल छोड़कर गए? लक्ष्मी, कब आई? हाँ, दोनों चाल छोड़कर गए हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, आनंद कैसा है? लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्यों गए वो दोनों? आनंद कैसा है लक्ष्मी, ये पूछा है ना, तो वो बताओ। उसकी ज्यादा फिक्र है हमें। अच्छा, फिक्र है आपको उनकी? तो सुनिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी वो ठीक नहीं हुए हैं और इनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कब तक ठीक होंगे ये भी नहीं पता। बता दिया मैंने, अब आप दोनों बताइए कि भीमा और रमा कहाँ गए और क्यों गए? जीजा भाई, जाकर पैसे ले आओ। ये लो पैसे, और अभी के अभी कोकण वापस जाओ। पहले आनंद का इलाज कराओ। और हाँ लक्ष्मी, भीम और रमा कहाँ गए, क्यों गए, इससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा पति। अरे, जिंदा है दोनों, अब चाल छोड़कर पहली बार तो नहीं गए। जाओ। आपको पता नहीं है कि मेरे पति कैसे, लेकिन आई आपको, आपको पता है ना कि अगर इन पैसों से उनका इलाज करवाया, उन्हें पता चल गया, तो वो मर जाना बेहतर समझेंगे। पर एक पत्नी होकर मैं अपने पति को मार नहीं सकती। बाकी अगर आप दोनों मुझे नहीं भी बताएंगे ना,
तो मैं बाहर चाल वालों से पूछ लूंगी। ये पैसे रखिए आप अपने पास। तुम्हारी पूरी जिंदगी तो यूं ही हाफते हुए गुजरी होगी ना। गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस करेगा, हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। छोटी जात के होकर गंदगी में जाने से मना करते हो, बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, तू चैन निकाल कर देगा या नहीं? कचरे को तुम लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है, इसीलिए सड़क पर जहां जहां जाओगे कचरा वहीं फेंका जाएगा। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? संसार की सबसे शुद्ध भाषा को संसार का सबसे अशुद्ध आदमी बोलेगा, ये पाप है। लड़ाई लड़ने में थकान तो होती है, और लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना हाफना ये सब तो करना ही पड़ता है। मैंने तुम्हारी तरह किसी और को नहीं देखा, अच्छा लगा तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर। तुमने मेरे बेटे से कहा था ना कि वो मजदूरी छोड़ के पढ़ाई करे, वो पढ़ा। आज देखो पूरे 5 साल के बाद जिस कारखाने में वो मजदूरी करता था, आज उसी कारखाने में 10 मजदूर उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। झुक झुक क्यों भीमराव? हम उस काकी के पास जा सकते हैं, शायद उनके पास कोई जगह हो छुपने के लिए। को खाना दे दिया? दे तो दिया है खिड़की से, पर पता नहीं खाएगा या नहीं। निर्मला जी का ससुराल यही है ना? तू? जी नमस्ते। खाना देने से पहले दरवाजा बंद नहीं किया जाता है? कोई छोटी जात का आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा तो घृणा से खाना खा पाएंगे क्या? देखिए इतना गुस्सा मत कीजिए, आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। जाओ और दरवाजा बंद करो। जी। नहीं खाना है मुझे, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फेंकता रहा खाना तो इस तरह से, मर जाएगा लेकिन तुझे उस कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे। अबे जी। वो मनहूस निर्मला मेरे एक बेटे को तो खा गई, लगता है इससे भी मार कर ही दम लेगी। वो खा गई? निर्मला जी ने सब सच बताया है मुझे। निर्मला जी ही थी जो अपने पति की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आपने तो आपके बेटे की बीमारी को गंभीरता से लिया नहीं, तो आखिर में निर्मला जी ही थी जो उन्हें अस्पताल में लेके गई और वहां पे उनका देहांत हो गया। देखिए अभी भी आपके पास मौका है, आपके दूसरे बेटे की जान बचाइए। इस तरह से अभय जी रोज रोज खाना फेंकते रहे तो इनकी भी जान चली जाएगी, फिर ना तो आपको यह आवाज सुनाई देगी और ना ही आप लोग कुछ कर पाएंगे। आइंदा से यहां कभी मत आना, और कभी आना
तो ये सवाल कभी मत पूछना कि निर्मला का ससुराल यही है क्या। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर लेने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि निर्मला जी का ससुराल यही है। बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवाइयां बदलनी पड़ेगी और नई दवाइयां बहुत महंगी है, कैसे होगा सब ठीक। लक्ष्मी तू चिंता मत कर बेटी, मैं आनंद की इलाज में कोई कमी नहीं रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपने बाबा पर भरोसा है ना? अब पर तो पूरा भरोसा है बाबा, बस वो ठीक हो जाए। कहते हैं कि यहाँ सबकी उन्हें बहुत याद आती है और उन्हें ऐसे बार बार छोड़ के आना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। हम सबको भी आनंद के बिना कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन बेटी तुम परेशान मत हो, देख लेना अब आनंद जल्दी ठीक होकर घर वापस आएगा। खाना खाएंगे आप कि बेटे के जाने के दुख में भूखे रहेंगे? बोलिए कुछ, मन में मत रखिए, भड़ास निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई पति है आपके, कम से कम इनसे तो इतनी निष्ठुरता से बात मत कीजिए। अच्छा लक्ष्मी, वो जब मैं आनंद के इलाज के लिए पैसे दे रही थी तो धम से मेरे हाथ में थमाकर भारी भरकम जवाब दिया तुमने। वो कोमलता थी, अपने बाबा को बताया नहीं तुमने क्या क्या कहा तुमने मुझसे? और मेरे पति से मुझे कैसे बात करनी चाहिए इसका ज्ञान मत दो मुझे। तुम्हें तुम्हारे पति की इतनी फिक्र होती ना, तुम यहाँ नहीं होती, वहाँ कोकण में होती, उसका इलाज करा रही होती जो पैसे मैंने दिए थे उससे। आई वो बात लक्ष्मी, कुछ मत बोल बेटी, इससे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं, ये अब किसी की नहीं सुनती, इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ दिमाग खराब हो गया है मेरा, तो जल्दी से बताइए खाना खाएंगे या नहीं, फालतू समय नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए। अगर नहीं खाएंगे तो बता दीजिए, मैं अपना खाना खाकर सो जाती हूँ। जीजा भाई, खाएंगे मैं भी और भैया भी। और जीजा भाई, हम दोनों बिल्कुल दुखी नहीं है। वो क्या है ना जीजा भाई, कि मैं और भैया जिंदगी भर तो भीम के साथ नहीं रहेंगे ना। भीम को अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी खुद ही संभालनी होगी, अपना सुख दुख उसे खुद झेलना होगा। आज हमारे होते हुए हमसे दूर अपना सुख दुख झेल रहा है ना जीजा भाई, उससे भीम और मजबूत बन रहा है और ये तो खुशी की बात है। और खुशी में भी भूखा रहता है क्या, नहीं ना? जल्दी समझ में आ गया आपको? भैया समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ है भीम, क्या कर रहा है, ये ऊंची जात वाले उसके साथ क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। धन्यवाद उन काकी का कि उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया। कौन है ये काकी? आप नहीं जानती है उन्हें, एक दिन वो हमें मिली थी और उन्होंने हमसे कहा था कि आज उनका बेटा बहुत बड़े पद पर काम कर रहा है
और वो भी मेरे पति के प्रेरणा के वजह से। भीम आया नहीं अभी तक, क्या हो रहा होगा वहां पर? आप चिंता मत कीजिए, वो गया है ना आपके ससुराल वालों से बात करने, कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। हाँ रमा, तुम ठीक कह रही हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन? डरो मत, मैं ही हूं। बात समझे क्या? झूठी तसल्ली नहीं दूंगा मैं। अभय जी के आई बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी, दरवाजा बंद कर लिया। अभय जी को उन्होंने किसी कमरे में बंद करके रखा है, उनसे मिल भी नहीं पाया मैं। निर्मला जी, कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं कि अपने सास ससुर को अपने आई बाबा मान बैठी, मानती रही कि वही ससुराल मेरा घर है। पर काम कौन आया? वो काकी जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं। बस बस आपने उनके बेटे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और वो आपकी इतनी सगी बन गई कि उन्होंने हमें रहने के लिए ये जगह दे दी। और मेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप शांत हो जाइए निर्मला जी। देर सवेर आपके ससुराल वालों को इस बात का अफसोस जरूर होगा कि वो आपकी अहमियत को समझ नहीं पाए। शांत हो जाइए आप, ऐसे रोइए मत। जाइए, उन्हें संभालिए, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। दरोगा साहब, वो भीमराव कानून कानून बहुत करता है, कानून की दुहाई देता रहता है, कहता है कि कानून की किताब लिखेगा एक दिन, ठीक है? इस बार उसे कानूनी दाव पेच में ही फंसाएंगे। नहीं समझे? एक काम कीजिए, कल सुबह उसे कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दीजिए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर शहर के कोने कोने तक ये खबर पहुंचाइए कि वो भीमराव भगोड़ा है। जैसे ये खबर उस भीमराव तक जाएगी, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा हमारे सामने, विनती करेगा, माफी मांगेगा हमसे, क्योंकि कानून की बहुत इज्जत करता है वो। बैरिस्टर बनने का सपना है ना उसका, कानून का सेवक, न्याय का योद्धा बनना चाहता है। तो ये कानूनी भगोड़ा होने का दाग अपने ऊपर नहीं लगने देगा वो, नहीं। आज तक ये कानून उसकी ढाल था, अब ये कानून ही बनेगा उसकी आस।
सुनो सुनो सुनो, ये भीमराव नाम का शख्स कानून का भगोड़ा है। जो भी इसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। ध्यान से देखिए तस्वीर, इसकी जो भी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। ये कानून का भगोड़ा है,